दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, मुझे पता है बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड करी हैं, बिकॉज मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ इन प्रोडक्ट्स का जो कि मुझे कल डिलीवर हुआ है। सो बेसिकली ये ड्यू टैप ऐप से मैंने मंगवाए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने इसका पेज देखा था, उनको मैंने फॉलो किया, उसके बाद उनको मैसेज सेंड करे, उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोडक्ट सेंड करे। मैंने मैसेज नहीं कि जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने जाके प्रोडक्ट सेंड मंगवाए हैं। जैसे कि आपका अमेजन फ्लिपकार्ट बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली वर्क करता है। सो ये मुझे प्रोडक्ट मिले 4 to 5 days के बिटवीन में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वीडियो विद ड्यू टैप। सो गाइज, ये जो ऐप है वो बेसिकली है होलसेल ऐप। सो इसमें जितना भी आपको सामान मिलेगा वो होलसेल प्राइस ही मिलता है। गाइज, आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा सामान मंगवाया है। सो मैं सबसे पहले आपको बड़ी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सो यहाँ पे जो सबसे पहले ये वाला जो प्रोडक्ट है वो है ये कंटेनर। सो बेसिकली ये मैंने मंगवाया है फ्रिज ऑर्गेनाइजर के लिए। सो जो भी आपके घरों में जो दालें वगैरह रहती हैं, अगर आपको भी फ्रिज में रखने का शौक है, तो वो कभी कभी क्या होती है कि फ्रिज बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, उस चीज़ के लिए मैंने मंगवाया है। तो इसके अंदर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे तीन कंटेनर है। सो 1, 2, 3 इसमें आपको पल्सेस रखनी है, दालें जो होती है घर पे, आप बाकी कुछ भी सामान रख सकते हैं। एंड इसको कवर करके इस तरह से आप अपने फ्रिज पे रख सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि फ्रिज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है एंड घर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। सो ये आई थिंक 150 के अराउंड पड़ा है, क्योंकि यही चीज़ अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो 600-500 से कम नहीं पड़ता है। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हमारा किचन से रिलेटेड ही है गाइस। ये मैंने मंगवाया है स्क्रबर। सो जो आपके बर्तन में यूज होता है, अगर आपको स्टील वाले जो बर्तन रहते हैं उनको क्लीन अप करना है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे आप अपना लिक्विड डिटर्जेंट फिल करेंगे, उसके बाद इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से बटन दिया है, तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो सोप रहेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर इस तरह से आप स्क्रॉल करके इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने बर्तनों पे। ये भी मुझे 25 rupees का पड़ा है। तो लिंक मैं दे दूंगी सारे प्रोडक्ट का, वहाँ से आप चेक कर लेना कि कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली कौन से प्राइस में पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइस लिस्ट नहीं है। सो प्रोडक्ट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कौन सा किस प्राइस का है। लेकिन बर्तन में नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये वाला। ये मैंने मंगवाया है सोप स्ट्रिप्स। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं कहीं भी बाहर पे, अगर आपको लगता है कि यहाँ पानी तो है लेकिन साबुन नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली रहता है, बहुत छोटू सा है एंड इसमें स्ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा दे रखी हैं। इसका जो प्राइस था वो मुझे 5 rupees में मिल गया था गाइस। सच में मुझे 5 rupees की स्ट्रिप्स पड़ी हैं एंड इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स हैं। कहीं भी आप कहीं भी रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, आपको अपने हैंड को क्लीन करने अच्छी तरह से, तो उसके लिए मैं ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। सो मैंने इसे ये ऑर्डर किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत सही है। ये है मैजिक वाटर बुक। तो ये बेसिकली यहाँ पे वाटर बुक है, इसमें आप कुछ भी इस पैन के थ्रू, आई थिंक ये मैजिकल पैन होगा, तो इसके थ्रू यहाँ पे ये कुछ बन जाएंगे कार्टून, तो ऐसा इस पर लिखा गया था। सो इनका मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के आपको ज़रूर सेंड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। सो वहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। सो यहाँ पे मैजिक बुक मैंने मंगवाई है, तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, उनको बहुत मज़ा आएगा। इसका भी जो प्राइस है वो 20 rupees के अराउंड मुझे पड़ गया था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी किचन से रिलेटेड है। किचन हो, आपका वॉशरूम हो, जो भी आपको क्लीन करना है। सो अगर आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आपको ये कि आपके हाथ गंदे ना हो, हाथ डायरेक्टली कनेक्ट ना हो किसी चीज़ से, तो उसके लिए ये रीयूजेबल, मैंने यहाँ पे रीयूजेबल रबड़ ग्लव्स मंगवाए हैं। सो इनको आप रीयूज कर सकते हो वॉश करने के बाद। तो ये जो प्रोडक्ट है वो है शू शाइन वाइप्स। तो जैसे आपके जो कपड़े, शूज़ रहते हैं, वो कभी आप ट्रैवल करते समय आपके गंदे हो जाए रास्ते में, कुछ उनमें लग जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। आपको सिर्फ क्लीन करना है, सिर्फ वाइप आउट करना है और वो क्लीन हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने मंगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा सही, 20-30 rupees में क्या ही आता है यार, 30 rupees के मुझे पड़े हैं। सो आपको प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप चेक कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको। यह है पोर्टेबल डिटर्जेंट। पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि इसको आप लेके कहीं भी चल सकते हो अपने साथ। सो पोर्टेबल डिटर्जेंट का मतलब ये है कि ये सिर्फ वाइट कपड़ों में काम करता है। वाइट कपड़ों में दाग धब्बों को ज़्यादा डर रहता है, सो उसको क्लीन करने के लिए आपको बस ये इस तरह से ओपन करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉलर है, सो इस तरह से आप स्क्रॉल करोगे, जहाँ पे भी आपका दाग धब्बा है उसको क्लीन कर लेगा और अच्छे से रिमूव कर देगा। अब रिमूव करेगा या नहीं वो मैं आपको दिखाऊंगी शॉर्ट वीडियो में, सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसका जो प्राइस है वो बता देती हूँ, 25 rupees के अराउंड मुझे पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये है सुपर सीलर। सो जैसे आपकी किचन में जो रहता है काफ़ी सारा सामान जो है वो ओपन रह जाता है, स्टेपलर आपको करने का मन करता है या आप उनको सील करने का मन करता है, तो उसके लिए
क्या करना है आपको कि ये वाला ऑर्डर करना है। तो ये बेसिकली मुझे बहुत सस्ता पड़ा है और इसका जो क्वालिटी है मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वालिटी है इसकी ऐसी। सो ये है वो स्टैपलर। सो यहाँ पे मुझे अपना प्रोडक्ट रखना है और वो स्टैपलर करके चले जाए, स्टैप करके चल जाएगा उसको। अब पता नहीं कैसे यूज करते हैं, वो मैं चेक कर लूंगी कैसे इसमें लिखा होगा कहीं पे इसको यूज कैसे करना है, इसको कैसे यूज। तो मैं इसको ऐसे 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 स्टैप करना है, ओके ऐसे ऐसे इसको प्रेस करते जाना है। सो आपका जो प्रोडक्ट है वो सील हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या रहता है, प्रोडक्ट खराब होने का भी डर नहीं रहता। 30 रुपए में क्या ही आता है यार, 30 रुपए का मुझे पड़ा। तो प्रोडक्ट सच में बहुत ज्यादा सही है, रीजनेबल प्राइसेस पे है गाइस। सो मंगवा लीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है ये। सो ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा। सबसे पहले तो बेलन सबके घर में होते ही है, लेकिन अगर आपको भी ऐसा कुछ स्टील का बेलन यूज करना है तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल पतला सा बेलन है यार, क्या पता इसकी रोटियां भी अच्छी बने। तो इसलिए मैंने मंगवाया है एंड काफी ज्यादा हल्का सा है, बहुत सही है गाइस, इसकी क्वालिटी बहुत सही है। मुझे सिर्फ 20 रुपए का पड़ा यार। तो 20 रुपए में मुझे और क्या चाहिए था, ये बेलन मैंने मंगवा लिया और मैं इससे फटाफट चपाती बना के देखूंगी कि इसकी जो चपाती है वो बाकी चपातियों से कैसे डिफरेंट है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सच में। नेक्स्ट भी मैंने किचन के लिए ही रिलेटेड मंगवाया। किचन कह लो या फिर आपको बाकी चीजें भी साफ करनी तो कर सकते हो, लेकिन बेसिकली इस चीज को किचन में ही यूज करते हैं। ये है किचन रैक्स। सो इसका नाम है किचन रैक, लेजी रैक के नाम से मैंने ये मंगवाया है। सो प्रोडक्ट आप देख लीजिए, लिंक मैं दे दूंगी और वहां से आप जाके क्लिक करके परचेज कर लेना, ठीक है। इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। तो एक एक थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसको फाड़ के फिर आपको किचन को क्लीन करना है। रीयूजेबल है, रीयूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज के मुझे अराउंड पड़ा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ गाइज। मैंने ये मंगवाया था, मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा बड़ा आएगा लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आया। सो ये मैंने मंगवाया, ये जो डियर के ऐसे सिंग रहते हैं ना, मतलब ये की होल्डर टाइप का है बेसिकली। तो यहाँ पे ये पीछे इसके चिपकाने का है, इसको ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसके कीज आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्यूट लगता है देखने में भी, और बट ये काफी ज्यादा छोटा आया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना छोटा आएगा। तो एक ही प्रोडक्ट से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, बाकी सारे प्रोडक्ट बहुत सही आए हैं इसके। तो ये मुझे ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, ये भी शायद 20 रुपए का ही, 20-30 रुपए का ही है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो 20-30 रुपए में हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ओके लास्ट प्रोडक्ट है मेरा ये मल्टी स्टोरेज कंटेनर। सो गाइस ये मैंने लिए मंगवाया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी छोटी छोटी मिर्चें वगैरह होती हैं और नींबू वगैरह रहते हैं किचन में, इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो उसके लिए मैंने मंगवाया है ताकि जो किचन है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज रहे और आपका जो फ्रिज है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज रहे। तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है एंड ये भी मुझे आई थिंक 150 के अंदर अंदर ही पड़ चुका है ये वाला भी कंटेनर। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है गाइस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है सच में। सो गाइस सबका मैं जो लिंक है वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके परचेज जरूर कर लेना अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे हो। सो अब मेरे जो पिटारा था वो हो चुका है खत्म, तो सब पिटारों से ये सारा सामान निकला है। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इन प्रोडक्ट का यूज देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स शॉर्ट वीडियो में ही इनकी डालूंगी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यूजेबल है या नहीं है। अफोर्डेबल के साथ साथ यूज भी तो अच्छा होना चाहिए। सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।